लड़ाई लड़ने वाले भाजपा का नेता जयप्रकाश और वेद प्रकाश अग्रवाल, अरुण जेटली उसके वकील, तो इस पूरी चीजों का ए टू जेड सबको पता था। उसके बाद भी ये बोगस एक कैंपेन जिसको कहा जाए लॉन्च देश भर में किया और 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में मैं जितने बार लड़के भिड़के आंदोलन करके अपना जीवन बनाया होगा, कभी जीवन में इस तरह का बहस हमारे सामने नहीं आया था। रहा सवाल भाजपा के पूरे चरित्र का, जिस राज से मैं आता हूं उस राज में डेवलपमेंट के लिए और अगर कोई उद्योग घराना अगर आता है जिस पर कि हम आपके यहां लगाएंगे इंडस्ट्री, तो उनके लिए अगर हम ईगरली हो करके भी अगर हम चिट्ठी लिखें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें अतिशयोक्ति है। दुर्भाग्य से बल्कि झारखंड में कोयले का ब्लॉक उनको नहीं मिला, छत्तीसगढ़ का सरकार ने मत सपोर्ट किया उनको मिला। रहा सवाल एक और बहस है कि सुधीर सहाय उसमें डायरेक्टर है, कोर्ट के पैरा जजमेंट के पैरा 55 में है, कंप्लीटली जो लिखा है इसमें, जब आपको हमने कहा कि प्रमोटेड बाय द फैमिली ऑफ रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 और रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 में मैं और फैमिली में जो मीन कर रहे हैं है प्रकाश इंद्रसी, वो सुधीर सहाय। सुधीर सहाय कहीं से भी न इसके शेयर होल्डर है न इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। कोर्ट ने इसको भी बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करके उस पर कहा है कि सिर्फ ये दोनों को हरास करने के लिए और जानबूझकर, यह भी कहा है कि सारे चीजों के पीछे यह था कि प्रकाश इंडस्ट्रीज के बारे में मैं बहुत बोल करके अपना जुबान खराब नहीं करना चाहता हूं, इनके ऊपर बहुत सारे इंक्वायरी और बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी का खाने का और गलत इंफॉर्मेशन देके क्लोज ब्लॉक लेने का सीबीआई इंक्वायरी वगैरह ऑलरेडी इनके ऊपर चल रही है। तो भाजपा के नेताओं का असली चेहरा प्रकाश इंडस्ट्रीज है, असली चेहरा झारखंड का सरकार है, असली चेहरा कर्नाटक में रेड्डी ब्रदर्स जिसके कि पैटर्नाइज करने वाले दिल्ली में बैठे हुए ये हैं, और झूठ के पुलिंदा के आधार पे सत्ता में आने का जो ख्वाब है इनका, ये कभी पूरा नहीं होगा, यही इनका ख्वाब जो है। और इस फ्रस्ट्रेशन में पार्लियामेंट से लेकर के रोज कभी सिर्फ प्रकाश जायसवाल पे, कभी किसी पे, कभी ये सारे बहस उठा रहे हैं, तो मैं उसको वंस फॉर ऑल क्लोज इसलिए करना चाहता हूं कि जितने सवाल आपके होंगे इस सारे सवालों का जवाब इस जजमेंट में है। जितना ने भाजपा के लोग और जिन लोगों ने भी सवाल मीडिया में भी उठाए हैं, ये सारे सवालों का जवाब है। मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल लड़ाई का बहस होता तो हम आपको लगातार आपको कुछ ना कुछ बहस करते रहते, लेकिन जजमेंट भर से झूठ की लड़ाई है, इसमें जो न्याय संगत चीजें हैं वो हम आपसे चाहते हैं कि वो दुनिया के सामने देश के सामने आए। प्लीज।